शेयर करने वाली हूँ, ये होने वाला है मीशो से हॉल वीडियो। कुछ साड़ी के ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो आई होप आपको आज का कलेक्शन पसंद आएगा। जितने भी आउटफिट शेयर कर रही हूँ कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। एंड एज यूजल सारे आउटफिट जो है रीसेलिंग में है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हॉल वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही कलरफुल सी साड़ी से, जो कि मुझे लगता है समर के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी पार्टी वेयर साड़ी है। एंड ये ऑरगेंजा काइंड ऑफ फैब्रिक में है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली साड़ी। लुक एट दिस साड़ी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सी वाइब दे रही है। और इसके कलर्स भी ऐसे हैं ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं आंखों में चुभ रहे हैं, समर्स के अकॉर्डिंग ऐसे हैं, बहुत ही अच्छी सी वाइब दे रही है ये। एंड ये कुछ इस तरीके की आपको साड़ी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको राउंड कलर के इसमें पैचेस दिए हुए हैं, अलग से नहीं चिपकाए हुए हैं, कुछ राउंड राउंड इस तरीके के पैचेस देखने को मिल जाएंगे जो कि सिक्वेंस में है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके की लेस दी हुई है, जो कि आपको जो ब्रॉड वाले जो सीक्वेंस होते हैं ना, बड़े वाले, वो दिए हुए हैं। ये इस साड़ी का बॉर्डर है जो कि काफ़ी ब्रॉड आएगा, काइंड ऑफ जैसे सिल्क साड़ियों में होता है ना, वैसे बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके की आपको पूरी साड़ी देखने को मिल जाएगी। पूरी साड़ी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम है। एक बार कंप्लीट लुक आप साइड में देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। 5.5 मीटर की साड़ी है, इतना सा जो पार्ट रखा है ना, बस वो प्लेन रखा है, जब आप ड्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा। और ब्लाउज का कॉम्बिनेशन मुझे कुछ समझ नहीं आया, रेड कलर का ब्लाउज इसमें अटैच दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर का टफेटा सिल्क का, और इसके साथ मुझे लगता नहीं है रेड कलर अच्छा लगेगा। आप चाहो तो इसे स्टिच करवा सकते हो। बाकी ये साड़ी अगर आपके पास ब्लैक कलर का ब्लाउज हो, या फिर सिल्वर कलर में ब्लाउज हो, या फिर और भी कोई कलर हो, उसके साथ अच्छी लग जाएगी। पर रेड कलर का मुझे इसके साथ कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके साथ इस तरीके का 90 सेंटीमीटर का आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। तो ये है जो फर्स्ट साड़ी मैं आपको रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है ना थोड़ा डिफरेंट से टॉप एंड बॉटम सेट है, काफी कलरफुल सा मुझे लग रहा था इसलिए मैंने पिक किया। एंड कुछ इस तरीके की आपको इसमें टॉप देखने को मिल जाएगी, जो कि है ना यहाँ पे नोट पैटर्न में टॉप दी हुई है। ये काफ़ी कलरफुल सी वाइब दे रहा था समर्स के अकॉर्डिंग। मुझे लगता है अगर आप कोई टॉप एंड बॉटम सेट बाय करना चाहते हो, या फिर अगर आप वैकेशन प्लान कर रहे हो, तो आप इस तरीके की ड्रेस टाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। इसमें आपको है ना 3-4 स्लीव्स देखने को मिल जाती है। फैब्रिक भी है ना जो काफ़ी ठंडा फैब्रिक है, यहाँ पे आपको वी नेक देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे नोट पैटर्न इसमें दिया हुआ है। अंदर की साइड प्रॉपर इसमें लाइनिंग दी हुई है, और साइज जो मैंने इसमें लिया है वो मीडियम साइज है। नीचे आपको ना इसमें इस तरीके की प्लाजो देखने को मिल जाता है, जो कि बॉटम है। एंड इसका जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्रॉड है, यहाँ पे पॉकेट्स दी हुई है। तो ये वैकेशन के अकॉर्डिंग तो परफेक्ट ड्रेस है, अगर आप घूमने जा रहे हो तो अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी वाइब दे रही है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी है, तो अच्छी लग रही थी मुझे, प्लस अफोर्डेबल भी है। इसमें आपको सारे साइज मीशो पे मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो, जो भी साइज आपको लेना हो। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। सर फिर को शेयर करने से पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अफोर्डेबल सी लिप बाम का ऑप्शन, जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। क्योंकि कुछ लिप बाम ऐसी होती है जो अच्छी तो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको बहुत ही अफोर्डेबल कोई लिप बाम लेनी है जो कि बहुत ही अच्छी हो, तो आप ये बायोटिक की बायो फ्रूट वाइटनिंग लिप बाम ये वाली ट्राई करना। मैं इसे बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ, 3-4 खाली कर चुकी हूँ, एंड ये वाली भी आप देखोगे ना ऑलमोस्ट इतनी खाली है। ये बहुत ही अच्छे लिप बाम है, बस इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि यार वो स्टिक में मिलती है तो हम इजीली अप्लाई कर पाते हैं, इसे आपको हाथ से अप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसकी जो फ्रेशनेस है, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लगाने के बाद बहुत अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज करती है, एक कलर ऐड करती है, और ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी हार्मफुल केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया हुआ है। तो इससे आपकी जो लिप्स है उसका पीएच लेवल भी कंट्रोल रहेगा, एंड ये काफ़ी अच्छी है। तो रियल फ्रूट्स इसमें यूज़ किए हुए हैं, तो कोई भी हार्म नहीं करेगी। तो इस लिप बाम को मैं आपको रिकमेंड करूँगी, और क्वान्टिटी भी आप देखोगे ना प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी इसमें आती है। तो इस प्रोडक्ट को मैं व्यू प्रोडक्ट में ट्रैक कर रही हूँ। अगर आप कोई
अफोर्डेबल प्राइस में लिप बाम लेना चाहते हो तो इस वाले लिप बाम को मेरे कहने से जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी एक साड़ी ही है जो कि प्लेन साड़ी है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, लेकिन इसका ब्लाउज काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ जो कि टफेटा सिल्क का ब्लाउज है, जो कि आपको फुली सिक्वेंस वर्क में ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। गोल्डन कलर के इसमें सिक्वेंस यूज किए हुए हैं एंड ये 1 मीटर के अराउंड इतना बड़ा फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है। क्वालिटी बहुत अच्छी है ब्लाउज की, 1 मीटर के अराउंड ये ब्लाउज है, तो आप जैसे भी चाहो ना वैसे इसे आप स्टिच करा सकते हो, जैसा भी डिजाइन आपको डलाना हो, क्योंकि फैब्रिक तो काफी अच्छा दिया हुआ है, काफी बड़ा है, और अगर आप XL XXL साइज में हो तो भी आपके इजीली आ जाएगा। साथ में ना जॉर्जेट फैब्रिक में ये साड़ी दी हुई है जो कि बिल्कुल प्लेन साड़ी है, और यहाँ पे ओनली लेस दी हुई है व्हाइट कलर की, जो क्रोशे वाली जो थ्रेड की जो लेस होती है ना वो दी हुई है, बाकी पूरी साड़ी बिल्कुल प्लेन है। इस तरीके की 5.5 मीटर की आपको एक पूरी साड़ी देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल प्लेन साड़ी है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट है, कलर भी काफ़ी अच्छा सा चेरी कलर मुझे लग रहा था, तो ये काफ़ी सुंदर साड़ी है 5.5 मीटर की। पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आएगा, जब आप इसे इस ब्लाउज के साथ स्टाइल करोगे बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी, साथ में आप बेल्ट स्टाइल कर सकते हो। तो ये वाली साड़ी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, अगर गर्ल्स को कोई साड़ी लेनी हो तो आप ये वाली बाय कर सकते हो, कभी भी आउटडेटेड भी नहीं होगी और अच्छी भी लगेगी। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया। और अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैं इस हॉल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी एक साड़ी का ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। ब्लैक कलर में है जो कि मेरा फेवरेट कलर है, एंड ये ना सिक्वेंस पैटर्न में है। ये वाली साड़ी के लिए ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा है परचेज करके देखते हैं कैसी आती है। एंड लुक एट दिस, ये ना बहुत ही डिफरेंट सी साड़ी है, नॉर्मल वाले जो सिक्वेंस एम्ब्रॉयडरी होती है ना वो नहीं है, कुछ पैटर्न ही डिफरेंट है, जो कि ना देखने में जितना खूबसूरत लग रहा था ना पिक्चर में उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है जब मेरे पास आई है। ये वाला जो पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है और नेट के ऊपर ही इस तरीके का वर्क दिया हुआ है, इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी एंड सिक्वेंस दिए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये ओवरऑल है ना काफ़ी हैवी साड़ी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, लेकिन है ना जब हाथ में ले रहे हैं या पहन रहे हैं ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट है क्योंकि नेट फैब्रिक है। इसकी क्वालिटी ऑसम है, इसके ऊपर जो वर्क किया हुआ है, डिटेलिंग की हुई है वो बहुत ही ज़्यादा नीटली की हुई है, एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है कोई भी पार्टी में, कोई भी फंक्शन में, मैरिज में स्टाइल करने को बहुत अच्छी साड़ी है। इतना सा जो पार्ट है वो प्लेन दिया है, जब आप ट्रैप करोगे अंदर की साइड आएगा, 5.5 मीटर की आपको ये साड़ी देखने को मिल जाएगी। और जो ब्लाउज दिया है ना वो येलो कलर के कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसको दिया हुआ है येलो कलर के साथ। आप चाहो तो आपके पास अगर कोई पिंक कलर का ब्लाउज हो तो उसके साथ आप इसे स्टाइल करना, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मेरे अकॉर्डिंग येलो से बेटर आएगा पिंक के साथ। ये आपको 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज, इसमें टफेटा सिल्क का अटैच दिया हुआ है, फ्रंट कुछ इस तरीके का मिल जाएगा सिक्वेंस का, बैक भी सिक्वेंस का देखने को मिल जाएगा, एंड ये 90 सेंटीमीटर के अराउंड ये फैब्रिक है, तो अगर आप XL XXL साइज में हो तो भी आपके ईजिली आ जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला ब्लाउज, पर मुझे येलो से ज़्यादा बेटर कलर लग रहा है मतलब ये येलो भी नहीं है, प्रॉपर मस्टर्ड कलर है, तो उससे ज़्यादा बेटर लग रहा है। पिंक के साथ अच्छा लगेगी, रेड के साथ अच्छी लगेगी, बाकी अगर आपकी चॉइस है, ब्लाउज तो काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसे भी स्टिच कराना चाहो करा सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किया है। तो गाइस ये था आज का मेरा कंप्लीट मीशो हॉल, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएंगे एंड आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी। साथ में आज के कलेक्शन में से आपका फेवरेट आउटफिट कौन सा है कॉमेंट करके जरूर बताना, या और कुछ मीशो से देखना चाहते हो तो कॉमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।